हम लोग यहाँ पे देखेंगे फीडर प्रोटेक्शन, जो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन चल रही है 25 kV AC सिस्टम वाले में। तो फीडर में बेसिकली जो प्रोटेक्शन लगाते हैं वो फॉल्ट के आधार पर लगाते हैं, और मेनली जो फॉल्ट या फिर जो सिस्टम प्रॉब्लम आती है वो आती है मेनली तीन कारण से। एक तो आपका अर्थ फॉल होता है, तब लाइक अगर ये ट्रैक्शन सिस्टम है किसी कारण से वायर टूट करके नीचे गिर जाती है, ग्राउंड हो जाती है, तो वहाँ पर अर्थ फॉल्ट आती है। फिर ओवरलोड, अगर जो एक सिस्टम का करंट कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा, अगर मतलब सिस्टम करंट ड्रॉ करता है, ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा ना, ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैफिक बढ़ने के कारण, तो उस कंडीशन में ओवरलोड होता है। और जो न्यूट्रल सेक्शन होते हैं एसपी पे, इस सब में अगर स्विचिंग करते हैं और स्विचिंग गलत हो जाने से डिफरेंट फेजेस लाइक RY, YB, फिर BR कोई आपस में कोलैप्स होता है, आपस में ओवरलैप होता है, तो उस कंडीशन में एक फॉल्ट आता है जिसको इनकरेक्ट स्विचिंग कारण बोलते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला हम लोग के पास है DPR, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले। ये क्या करता है कि कहीं अगर दूर कोई फॉल्ट हो रहा हो तो उसको सेंस करके सिस्टम को आइसोलेट कर सेफ करता है। तो DPR, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, बेसिकली दो एलिमेंट सिस्टम से लेते हैं। एक तो आपके CT से करंट लेंगे और PT से वोल्टेज लेंगे, और इसको जो रिले होते हैं वो रिले में जो टॉर्क जनरेशन के लिए जो दो टॉर्क चाहिए, एक तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जो रिले का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो दिया जाता है CT से और रिस्टोरिंग टॉर्क PT से। अगर सिस्टम में नॉर्मल कंडीशन में है तो CT के द्वारा दिया गया करंट कम होगा, सिस्टम में नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं होगी और ये रिले पिकअप नहीं होगा। लेकिन जिस कभी भी फॉल्ट होता है किसी खास दूरी पे, तो CT का करंट का वैल्यू घट बढ़ जाएगा इन द रेस्पेक्ट ऑफ PT, और वहाँ पे वो रिले सर्किट को ट्रिप कराएगा। तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले का बेसिकली यही प्रिंसिपल होता है काम करने का। और सिंपली देखें तो जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले होती है वो रेशियो पे काम करती है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो इसलिए इसे कभी कभी वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इसलिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले को इम्पीडेंस रिले भी कहा जाता है। दूसरा देखते हैं इंस्टेंट ओवर करंट रिले। हमने देखा था कि जब ट्रांसफार्मर में LVCB लगा था, फिर फीडर CB लगा था, फिर BM दोनों BM के साथ उस सिस्टम में दिया गया था सप्लाई, तो फीडर CB। अब इंस्टेंटेनियस ओवर करंट क्या करता है कि इसमें इसके जो इंसुलेटर लगाए गए हैं सिस्टम में, जो कंडक्टर लगाए गए हैं, कंडक्टर की करंट कैपेसिटी, इंसुलेटर की ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो सब सीमित होती है। तो उस सबको देखते हुए सिस्टम में इसको ज़्यादा मैक्सिमम पावर ना दिया जाए उसका ध्यान रखा जाता है। अब एग्जांपल के लिए एक जो AC होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम का, वो 600 एम्पियर करंट लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैरी कर सकता है। इससे ज़्यादा होने पे इसमें टूटने की चांसेस बढ़ जाती है। तो हम ऐसा करके रखेंगे कि ओवर करंट एक खास वैल्यू पे सेट करेंगे जिससे हमारे ये डैमेज ना हो। तो वही ओवरलोडिंग का केस आता है। तो जो इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले आता है तो इसका थोड़ा कम रखेंगे, इसका उससे ज़्यादा रखेंगे, और फिर HVCB का उससे भी ज़्यादा। लाइक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो पहले ये ट्रिप हो, इससे जो कहीं और सप्लाई गई है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर इससे भी नहीं पता है फिर ये ट्रिप करे ताकि ट्रांसफार्मर सेफ में हो और कहीं देर तो वो प्रॉब्लम ना हो। अब इससे भी नहीं होता है तो फिर ये ट्रिप करेगा, अगर इधर भी ट्रिप नहीं कर पाता है तो फिर ग्रिड ट्रिप करेगा। ये एक सीक्वेंस बना होता है। तो इंटरनेस ओवर करंट रिले होता है। फिर इसके आगे देखते हैं तो Δi। Δi बेसिकली DPR और इंटरटेनियस ओवर करंट रिले, ये हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम भी होते हैं लेकिन Δi स्पेशली ज़्यादा और ट्रैक्शन सिस्टम के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो नॉर्मल हम लोग का अरेंजमेंट होता है ओवरहेड इक्विपमेंट का, वो इंसुलेटर लगे होते हैं, ज़्यादा बड़े इंसुलेटर नहीं होते हैं, लगभग
50 सेंटीमीटर से आसपास होंगे, एग्जैक्ट में डाटा याद नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि ये ग्राउंड पार्ट होता है, क्योंकि ये जमीन पर लगा होता है, ये लाइव पार्ट हो गया। तो कभी कभी स्नेक वगैरह आ करते ना यहाँ पे, वो सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं और फॉल्ट आती है। लेकिन इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट का वैल्यू कम होगा, और इस केस में जो करंट का वैल्यू होगा और जो नॉर्मल जब ट्रेन चलेगी उस सिस्टम में करंट का वैल्यू, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो हमारा जो DPR वगैरह है ये सेंस नहीं कर पाता है कि यहाँ फॉल्ट है या फिर ज़्यादा सिस्टम करंट ले रहा है। तो इसके लिए Δi को बनाया गया है। Δi जो बेसिकली ये सिस्टम में करंट और वोल्टेज के एंगल को ही देखता है, क्योंकि अगर सिस्टम में लोको या सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंजन ज़्यादा है तो वहाँ पे वोल्टेज और करंट में खास एंगल होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्शन सिस्टम में, इंडक्टिव सर्किट में आपका ये करंट लैग करेगा। लेकिन स्नेक्स वगैरह आती हैं या कुछ कोई लाइक मंकी का टेल वगैरह आता है, तो उस सब कंडीशन में हमारा क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ना कि सर्किट में एंगल वगैरह चेंज होगा। तो जो Δi है वो वेक्टर के आधार पे करंट और वोल्टेज को एंगल देखते हुए वो सर्किट को ट्रिप कराता है, कि अगर रेजिस्टिव फॉल्ट होने के कारण अगर करंट हाई हो रहा है लेकिन ज़्यादा हाई नहीं हो रहा है, तो वो अपना बैक एनालाइज को करके और सिस्टम पे एंगल के आधार पर सिस्टम को ट्रिप कराता है, जो वेक्टर सम के आधार पे काम करता है। दूसरी एक और है पेंटोफ्लैशओवर। कभी कभी हम लोग आगे देखेंगे एक ओवरलैप पढ़ना है, तो इंसुलेटेड ओवरलैप, अनइंसुलेटेड ओवरलैप। तो बेसिकली क्या होता है कि सिस्टम को आइसोलेट किया जाता है लाइव पार्ट से डेड पार्ट को, कि मतलब मानिए यहाँ से है, अगर किसी कारण से यहाँ तक का हमको स्विच सिस्टम बंद किए हुए हैं BM से, और इधर का सिस्टम चालू है, तो इधर से ट्रेन आ रही है, ट्रेन को रुकना यहाँ पर, किसी कारण गलती से वो इन करता है, तो जैसे ही लाइव पार्ट से डेड पार्ट में एंट्री करेगा, इधर कुछ काम हो रहा हो मे बी, तो लाइव पार्ट से डेड पार्ट में एंट्री जैसे ही करेगा ना, तो यहाँ पे एक हेवी फ्लैश ओवर होगा। तो पेंटो फ्लैश ओवर क्या करता है कि अपने जो प्रीवियस जितने भी सिस्टम पे काम होते आ रहे हैं उसके आधार पर डाटा एनालाइज करता है, और उस डाटे के आधार पे अगर एबनॉर्मलिटी दिखती है सिस्टम में तो वो फीडर सर्किट ब्रेकर को कमांड देगा और सर्किट ट्रिप कर जाएगा। अब देखिए सिंपल नॉर्मल कंडीशन में पेंटो फ्लैश ओवर कभी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही लाइव से डेड में आएगा तो ये एक एबनॉर्मलिटी आती है, तो उसको सेंस करा के ये सिस्टम को ट्रिप कराता है। उसी तरीके से एक है WPC, रॉन्ग फेस कपलिंग। इसमें क्या होता है, रॉन्ग फेस कपलिंग में क्या होता है कि अगर माने TSS1 है, तो TSS1 में सपोज करिए R और Y फेज जा रहा है, जहाँ पे R लाइव में जा रहा है और Y को ग्राउंड किया जा रहा है। उसी तरीके से TSS2 है, यहाँ पे YB आ रहा है। ओके, अब YB आ रहा है तो जो Y है वो लाइव है और B ग्राउंड है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि किसी कारण से SSP का जो इंटरप्टर है, अगर ये क्लोज होता है तो यहाँ पे हमारा आ गया R, यहाँ पे आ गया Y, R और Y आपस में शॉर्ट हो जाएगा, जिसके कारण एक हेवी फॉल्ट होगा। तो उसको बोलते हैं रॉन्ग फेज कपलिंग। और बेसिकली क्या होता है कि ये BM का ऑपरेशन है, गलती होगा, गलत इसका ऑपरेशन किया जाएगा तो ये फॉल्ट आएगा। तो रॉन्ग फेज कपलिंग जो होता है वो फॉल्ट ड्यू टू इनकरेक्ट स्विचिंग में आ जाता है। एक ये बेसिकली सर्किट ब्रेकर के लिए है कि CTD, कैपेसिटर ट्रिप डिवाइस। अगर किसी कारण से सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन के लिए हम लोग 110 वोल्ट DC देते हैं, अब किसी कारण से 110 वोल्ट DC फेल हो जाता है, तो सर्किट ब्रेकर में कैपेसिटर लगाया होता है जो अपने एनर्जी से सर्किट ब्रेकर को मतलब एक ऑपरेशन कराया जाता है, लाइक अगर चार्ज को ट्रिप कराया जाता है, ताकि बाद में कोई एबनॉर्मल कंडीशन में सिस्टम आइसोलेट ना हो पाए, ऐसा कंडीशन ना हो, पहले ही सिस्टम को आइसोलेट कर देता है कि हाँ DC फेलर हो गया है और CTD के कैपेसिटर ट्रिप डिवाइस के माध्यम से सर्किट को ट्रिप करा दे रहे हैं, आप DC रिस्टोर कर लीजिए, फिर सिस्टम में लीजिए, ताकि इनकेस कोई फॉल्ट हो तो सर्किट ब्रेकर सही से काम कर सके। तो बेसिकली ओवरऑल फीडर प्रोटेक्शन का यही इतना डिटेल्स था। अब हम आगे देखते हैं स्पेसिंग ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर सब स्टेशन जो हो गया TSS, ट्रैक्शन सब स्टेशन, ठीक है। तो इसमें क्या देख सकते हैं हम लोग कि बेसिकली एक सब स्टेशन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, और ऐसे बढ़ जाएगा। तो हम लोग का जो मेन टारगेट दिया जाता है वो टारगेट ये होता है कि
इस सिस्टम में जो जिस पे काम कर रही है उस ओएचई में ट्रैक्शन सब स्टेशन से लेके इस जहाँ तक सप्लाई करेगी उस सबसे लास्ट दूरी तक सिस्टम का वोल्टेज बेसिकली मतलब 25 kV के एवरेज में हो, मिनिमम 19 kV उससे कम नहीं आनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे और सपोज यहाँ नंबर ऑफ ट्रेन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो करेंट हेवी ड्रॉ होने के कारण, आईआर ड्रॉप डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप होने के कारण यहाँ पे करंट वोल्टेज बहुत घट जाएगा। तो स्पेसिंग में एक हम लोग वोल्टेज देखते हैं, दूसरा न्यूट्रल सेक्शन वगैरह लगाने में क्या मतलब ये सब मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा हो वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा ना हो ये चीज़ को हम लोग देखते हैं। फिर जहाँ पे ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाना है वहाँ ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, इसके अलावा मेन बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, फिर वहाँ आदमी मॉनिटरिंग करने जाता है। तो ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हो, आने जाने का सही प्रावधान हो। और बेसिकली हम लोग जो ट्रैक्शन सब स्टेशन का दूरी होता है तो प्रैक्टिकल आधार पर से देखा जाता है कि अप्रॉक्स 20 to 30 किलोमीटर में एक वो एक ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर एक साइड दे सकता है। एक ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर अपने एक साइड लगभग 20 to 30 किलोमीटर तक फीड सप्लाई दे सकता है और दूसरा ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर भी अपने सेम 20 to 30 किलोमीटर। तो इससे ये होगा कि एक ट्रैक्शन सब स्टेशन के बीच की जो दूरी होगी दूसरे से वो लगभग 40 to 60 किलोमीटर के आसपास देखा जाता है। तो बेसिकली स्पेसिंग ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन में यही मेन पॉइंट होता है कि मतलब उसका वोल्टेज रेटिंग वगैरह डिस्टर्ब ना हो और एक्सेसिबिलिटी वगैरह हो, कि माने कुछ फेलियर होती है तो फिर वहाँ पे जाने में सुविधा हो, या फिर नई इक्विपमेंट कुछ मतलब इलेक्शन करना हो तो उसमें भी सुविधा हो। तो बेसिकली यही देखा जाता है।